Hey everyone, hello and welcome back with the new vlog. कैसे हैं आप सभी? Hope you all doing good. And आज है मंडे, मंडे की इवनिंग है मतलब और ये आपको आरती सुनाई दे रही होगी. भजन हो रहा है, भजन के बाद वाली आरती है. आज है व्रत, लेकिन फिर भी कुछ तेज आवाज है. एनर्जेटिक है हम लोग, एनर्जेटिक बोल रहे हैं. आपका आशीर्वाद क्या हो गया तुमको? तो आज काफी दिनों के बाद मम्मी भी गई हैं भजन में, क्योंकि हम सभी लोग आई फ्लू से ग्रसित थे. आई फ्लू से ग्रसित थे तो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे. कल फ्रेंडशिप डे था तो कल से ही बाहर निकलना स्टार्ट किए हुए हैं. तो आज मम्मी बोली कि आज मतलब जा सकते हैं. मैंने कहा अब आप जा सकते हैं, अब कोई इन्फेक्शन हमारे अंदर नहीं है, ना ही हमारी तरफ से किसी को फैलेगा, तो आप जा सकते हैं. तो मम्मी गई हुई है भजन में, जो कि 5 मिनट बाद आ जाएंगी प्रसाद लेकर. या मम्मी जब भी भजन में जाती है ना, तो जैसे ही आती है तो मेरा हाथ पहले ही ऐसा हो जाता है प्रसाद लेने के लिए. और आज ये लोग फुल टाइम बिजी थे अपना शॉपिंग के लिए, बट पता नहीं कुछ कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं. मुझे लग नहीं रहा कि आज इन लोगों ने कुछ भी डिसाइड किया है कि हम लोग रक्षाबंधन में क्या वेयर करने वाले हैं. अभी तो कलर भी डिसाइडेड नहीं है. अगर हम कलर थीम रखते हैं, जो कि हर साल रखते हैं, तो हाँ मतलब उसमें मजा आती है ना यार, कुछ डिफरेंट होता है. येलो भी हो गया, ग्रीन ग्रीन भी हो गया, रेड रेड भी, रेड हम लोग इसमें नहीं किए हैं. इसमें नहीं किए हैं, हाँ मतलब फेस्टिवल में नहीं किए हैं, ऐसे नॉर्मल पहन लिए हैं. सोच में है कौन सा कलर वो करूं मैं. नहीं, वो सोच में है कि मुझे लिपस्टिक मिलनी है. तो हम लोग कलर थीम डिसाइड नहीं कर पाए हैं. अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो, मतलब अगर आपके दिमाग में हो कि हम ये कलर रख सकते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा. हाँ वैसे ये ब्लॉग जब तक आएगा तब तक आप लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आज हम लोग कुछ ना कुछ फाइनल कर ही देंगे. लेकिन फिर भी हाँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो हो सकता है उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर लें आगे किसी फंक्शन में, बट करेंगे जरूर. और मंदिर की आरती जो है वो हो चुकी है कंप्लीट. मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से पूरा क्लियर व्यू दिखेगा आप लोगों को. वो देखिए काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं कॉलोनी के, एंड सब लोग मिलकर करते हैं यहाँ पर भजन डेली. बहुत अच्छा लगता है. हाँ, सो बैक टू अवर बात. तो आज ड्रेसेस हमें वो करनी है ना, फाइनल कलर कॉम्बिनेशन फाइनल कर लेंगे तो बेटर रहेगा. आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर हम देखते हैं कि हम क्या मतलब सोचते हैं आज. और हाँ, और आप लोग क्या बताते हैं, मैच होता है जिसका भी कलर कॉम्बिनेशन हमारे सोच से मैच होगा ना, उसकी पिन को ना उसके कमेंट को पिंट कर देंगे, उसके पिंट को कमेंट कर देंगे हम लोग, उसकी कमेंट को पिन करेंगे. मतलब देखते हैं कि किसकी थिंकिंग बिल्कुल हमारे जैसे मैच हो रही है. ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा. कल इतने दिनों के बाद हम लोग बाहर निकले थे, और वो भी 2-व्हीलर से, तो आपको कैसा लगा है इतने दिनों के बाद? मतलब फ्रेंडशिप डे में कुछ डिफरेंट हो गया ना. बाय कार तो हम लोग अच्छा हुआ कल नहीं गए, नहीं तो बहुत भयंकर ट्रैफिक में फंस जाते. इतनी भीड़ थी हर जगह. मजा आया लेकिन ना कल. गाइस जिन लोगों ने भी फ्रेंडशिप डे वाला व्लॉग नहीं देखा होगा, जाकर जरूर वॉच कीजिएगा. मतलब रोड ट्रिप थी, फिर गए भी हम शीतलदास की बगिया, गया बहुत ही अच्छा लगा. शीतलदास की बगिया और वीआईपी रोड के किनारे आनंद पूरा लिया, फिर इंद्रपुरी की चौपाटी सात नंबर, मतलब मजा आ गया था. तो आप कल तो आप मतलब पूरा व्लॉग देखिएगा, आपको हर जगह भीड़ भी नजर आएगी, लेकिन मजा आएगा. भीड़ में हम भी नजर आएंगे और भीड़ भी नजर आएगी. तो मम्मी आ गई हैं अभी भजन से. ये आ चुका है प्रसाद. कोई नहीं खाएगा ना, कोई नहीं खाएगा ना. ए थोड़ा सा दे दो, बाकी ले लेना. थोड़ा सा दे दो, बाकी ले लेना. बहुत ये एड़े लोग पेड़ा खाते हैं. ये पेड़ा लेके चली गई, मैं इसको ले लेता हूँ. लो सो अभी यहाँ पर बढ़िया गर्मा गर्म पूड़ी निकल रही है. ये जय निकाल रही है, और यहाँ पर मूंगफली रोस्ट हो रही है.
इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे बन रहा है रायता, खीरे का फेवरेट। इसमें डल गया है ये वाला नमक, फलाहारी नमक। हो गया ना वैसे रोस्ट है ना जी, बंद कर दूँ? यस बंद कर दीजिए, तो वो फिर वो थोड़ा सा वैसा हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। आउच, वो बंद करने से क्या है, जब रायता बन जाता है ना तो ये और मैं ऐसे हैं दो शख्स जिनको लग जाती है भूख, बहुत तेज भूख लग जाती है, मतलब बर्दाश्त नहीं होता थोड़ी देर के लिए, जब तक रायता को ना मुंह में डाल ले तो हम लोग कर लेते हैं डिनर, एंड डिनर करने के बाद फिर मिलते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो अभी सुबह हो चुकी है एंड मैं भी नहा कर आ गई हूँ और अभी मुझे जाना है मंदिर दर्शन करने के लिए भगवान जी की, और अभी उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी लंच। और अभी ये क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज ये क्लीनिंग अभियान, क्लीनिंग अभियान, फ्रिज को चमका रहे। आज फाइनली आप पहनेंगे ना मेरी फेवरेट वाली साड़ी, पहनेंगे कि नहीं आज बताइए, टेल मी। जब आप पहन आएंगे तब पहन लूंगी मैं, जब मैं पहनाऊंगा तब पहन लेंगे। हाँ। अभी पहना दो। हाँ। मुझे पहनाना पड़ेगा। हाँ। आप नहीं पहन पाएंगे मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप बोलेंगे तब मैं पहन लूंगी। मैं तो कितने दिनों से बोल रहा हूँ कुछ नहीं, नहीं गाइस एक भी बार नहीं बोले उन्होंने, इवन मैं जब बोल रही थी ना कि मैं पहन लेती हूँ तब मुझे मेरे लिए हंस रहे थे कि मुझसे रहा नहीं जा रहा न्यू साड़ी पहनने के लिए, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं रहा जा रहा उससे। अरे यार अभी किसने बोला, आपने, नहीं रहा जा रहा। ये तो ऐसे ही मुझे चिढ़ाते रहेंगे, और यहाँ पे मम्मी रख गई है भिंडी को धुल के अच्छे से, तो अभी ये सूख भी गई है तो मैं फटाफट से कट कर लेती हूँ एंड बना लेती हूँ लंच, और उसके पहले सब्जी बनाने के पहले मैं होकर आ जाती हूँ मंदिर, नहीं तो फिर नहाने के बाद बहुत टाइम हो जाता ना फिर मन नहीं करता, तो इसे अच्छा अभी चली जाती हूँ नहा कर आ जाती हूँ। आज तो आप पूरी क्लीनिंग करके रहेंगे ना। ये वाला प्लांट एक और लेके आना मुझे बालकनी में रखने के लिए। वहाँ रखना ना मेरे को ऊपर, देखते हैं। एंड यहाँ पे बैठे हैं हमारे राधा कृष्णा, ये वाले तो वैसे दो तीन ले आएंगे। कौन से? अरे कब हम ना, हाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है ना गाइस, मतलब इतना अच्छा लग रहा है क्या बताओ। ये देखिए आपको पेड़ की ना, हाँ पीपल के पेड़ से समझ में आ रहा होगा, पीपल के पेड़ की खासियत, कितनी प्यारी हवा चल रही है। इसको हम जब दूसरे एंगल से देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे हार्ट शेप। हाँ जब उधर से चलेंगे ना तब दिखाएंगे, उस साइड रहेंगे, हाँ वो एकदम हार्ट जैसा दिखेगा। आंटी है मंदिर में अभी मेरे को दिखी थी, अभी मेरे को दिख गई थी, है ना? हाँ गेट भी पेंट करना, और अभी सबसे पहले रक्षाबंधन में डेकोरेशन कैसा करना है ये सोचना है, उससे भी पहले ये सोचना है कि वियर क्या करना है, वो तो कल से यही चल रहा है। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मेरी बात को भूलिएगा मत कि कौन सा कलर थीम रखें, हाँ क्योंकि मॉर्निंग जरूर हो गई है लेकिन अभी हम लोग कंफर्म नहीं हो पाएगा हमें कौन सा कलर पहनना है, तो कमेंट जरूर करिएगा, देखते हैं कि किसका मैच करता है और हम लोग क्या सोच पाते, सोचेंगे हम भी बट आप लोग जल्दी जल्दी कॉमेंट कीजिएगा। एंड इस ब्लॉग को रखते हैं बस यहीं तक, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हाँ मैं बहुत ही अच्छा कुछ सोच रही हूँ अभी लाने के लिए, मे बी वो नेक्स्ट ब्लॉग में ही आ जाएगा, तो होप जो सोच रही हूँ कर लूँ अभी। तो अगर मैं सूट करती हूँ तो क्या सूट कर रही हूँ वो आपको पता चल जाएगा इंस्टाग्राम रील्स से, पहले ही उसमें मैं डाल दूंगी कि हाँ मैं ये चीज़ लेके आने वाली हूँ, तो इंस्टाग्राम पर भी थोड़ा एक्टिव रहिएगा आज, और क्या कहते हैं
ढेर सारे कमेंट कर दीजिएगा कलर सजेशन को लेकर। बाय बाय।